गुलशन इकबाल पार्क में है और माशाल्लाह बहुत वसी और रीज ज़बरदस्त पार्क है, ये विज़िट करने की जगह है। तो यहाँ बहुत से बच्चे मेरे साथ हैं, तो इनसे वन बाय वन जो है पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? जी यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे क्या चीज़ आपने देखी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त लगी है आपको? यहाँ की ये जो घास वगैरह है ना, ये बहुत अच्छा है, इससे हमें बहुत सुकून वगैरह मिल रहा है। हाँ, और खाया भी आपने कुछ? जी, क्या खाया है? बिरयानी खाई। वो थोड़ा सा लग रहा भी रहा है माशाल्लाह, वेरी नाइस हेल्थ माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल रमजान, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं? यहाँ पर मुझे सबसे पहले अच्छी चीज़ लगी यहाँ की सफाई। यहाँ पर कहीं गंदगी नहीं है, हमें भी सफाई रखनी चाहिए अपनी हर जगह। जैसे यहाँ पर सफाई है इस पार्क की, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर, कैसे हैं आप? आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। ये आपने सूट कहाँ से लिया था मुदस्सर? बाइक से लिया था। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है पार्क में आके? ओके, और आप बताओ आपने क्या खाया है अभी? आइसक्रीम खाई है? वाओ, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर, कैसे हैं आप? यू लुक लाइक अ क्वैक क्वैक, राइट? आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है गुलशन इकबाल में आपको? अच्छा। क्या चीज़ देखी अभी आपने जो आपको सबसे अच्छी लगी है? सफाई। ओ थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन सी क्लास में आप? नाइन्थ। कैसा जा रहा है नाइन्थ का एक्सपीरियंस? ओके, गुलशन इकबाल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताएं पहले कभी आए हैं आप गुलशन इकबाल में? सेकंड टाइम आए हैं। पहले किस साथ आए थे आप? स्कूल के साथ ही आए थे। ओके, सो आप एक बार तो फिर स्कूल के साथ आ गए आप। ओके, आप ये बताएं कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अच्छा, क्या चीज़ चेंज हुई है यहाँ पर जब पहले भी आप आए, अभी भी आप आए? पहले गंदगी बहुत थी, अब सफाई हो गई। अच्छा, सफाई हो गई है, हाँ नज़र आ रहा है। वैसे वो एक ट्रुप बैठा हुआ है और एक ज़बरदस्त एटमोसफेयर है। वैसे मैंने काफ़ी पी एच ए के वर्कर्स भी देखे हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ओके, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने ये बताएं कि आप पहले कभी आए हैं यहाँ पे? नो सर। ओके, आइसक्रीम किसने कराई थी, जरा ये बताएं जरा। सर ने। सर ने कराई? ये नहीं यार, सर का नाम लगाई जा रहे हैं यार। तो चलो ठीक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? एजत। वेरी डिफरेंट नेम, यूनिक नेम। एजत, आप पहले आए हैं कभी गुलशन इकबाल? नहीं। अच्छा, वो सामने कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे लगे आपको ये? प्यारे। आपको पता है ये कौन से फ्लावर्स हैं? ये आपने कभी देखे हैं पहले? ओके, आप ये मुझे बता सकते हैं ये सामने ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? ये मेरे ख्याल में कोई बिजली का सर्किट लग रहा है। ओके, आप पहले गुलशन इकबाल में आए कभी? ओके, और कैसा रहा एक्सपीरियंस, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अभी कुछ खाने को मिला आपको यहाँ पे? ओके, दैट्स वेरी नाइस। ओके, आप आए जी। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आज तो नवाज शरीफ लग रहे हैं आप मुझे। ओके, आप मुझे ये बताएं कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? उमेर। उमेर, ओके। उमेर, आप बताएं कि यहाँ की आपको पार्क, ऐसे आपने कोई पार्क देखी है जिस तरह की यहाँ पर नज़र आ रही है आपको? नहीं देखी। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पर ग्रीनरी वगैरह ठीक है, पार्क का जो एक माहौल होता है आपको सही लग रहा है ये? आप दूसरों को मशवरा देंगे कि यहाँ पर वो आए? और इसके अलावा आप इतने लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? हम कहीं आप आए और गंदगी ना फैलाएं। दैट्स वेरी नाइस, गुड मैसेज माशाल्लाह। दी हैवी पार्टीज है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा कौन सी क्लास में है? हमदान। ओके, सॉरी, हमजा नाम है। ओके हमदान, आप बताएं कौन सी क्लास में है? फाइव में है। अच्छा, आप मुझे बताएं कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, दैट्स वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अपना नाम तो बताएं। वैसे आप इलाके की मशहूर पर्सनैलिटी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि चलें आप, हाशिर पूरा नाम था अपना? हाशिर हुसैन। हाशिर, कैसा जा रहा है जीएस के साथ एक्सपीरियंस आपका? अच्छा जा रहा है। ओके, सो आप कौन सी क्लास में? नाइन। कैसा लगा आपको गुलशन इकबाल पार्क में आके? सर बहुत अच्छा। क्या अच्छा क्या लगा, थोड़ा डिफाइन करें इसको। क्या मतलब? इधर काफ़ी सफाई है, ये वो देखें, बाकी आप सही कह रहे हैं, वो देखें अभी भी वर्कर्स लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और वो लेकर जा रहे हैं सारा सामान वगैरह जो भी गंदला है। ओके, और कोई मैसेज देना चाहेंगे वाम को आप?
मैं यही कहना चाहूँगा कि सफाई सफाई रखा करें, गंदा पलाया करें। ओके थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप मोमिना एंड लाइका? आप ठीक हैं? ओके आप मुझे ये बताएं कि पार्क में आके कैसा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? ग्रीनरी। अच्छा अभी आप मुझे एक क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा मौसम चल रहा है अभी जी? कौन सा मौसम? ओह दैट्स वेरी नाइस, आपको पता है यानी बाहर का मौसम चल रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इस पार्क में आपको क्या चीज़ बहुत डिफरेंट लगी जो आप बताना चाहोगे? जी सफाई का निज़ाम। अच्छा दैट्स वेरी नाइस जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फातिमा कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आपका नाम तो मैंने पहले याद कर लिया हुआ है। ओके क्योंकि फातिमा इज़ अ काइंड ऑफ अ नेम जो मुझे याद है। अच्छा फातिमा मुझे ये बताओ कि आप गुलशन इकबाल में पहली दफ़ा आई हो? नो वैसे तो मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी बार आई हूँ, बट एक ट्रिप के साथ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ओह दैट्स वेरी नाइस। अब ये बताओ कि इन विच क्लास यू आर? सिक्स। यू आर इन सिक्स क्लास। ओके दैट्स वेरी नाइस। ओके आप मुझे ये बताओ आपका पूरा नाम क्या है? फातिमा ज़हरा। ओके आप यूट्यूब भी कर रही हो? जी। और कौन सा चैनल है आपका? फातिमाज़ वर्ल्ड। फातिमाज़ वर्ल्ड। और उसमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? इसमें आपको इंफॉर्मेटिव मिलेंगी, फन मिलेंगे, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स भी मिलेंगे। फैक्ट्स भी? कोई हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दें, फैक्ट्स बताएं। इन्फॉर्मेशन तो अभी तो कुछ नहीं, बट जब हम इस ट्रिप पे आए उसके बारे में कहना चाहूँगी, यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है और मुझे नेचर को देख के वैसे ही बहुत खुशी होती है, और इसलिए यहाँ का नेचर भी बहुत खूबसूरत है एंड आई लाइक दिस पार्क। ओह दैट्स वेरी नाइस फातिमा, इट्स सो नाइस टू टॉक यू। थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। मिस कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा कैमरे की आंख पे मिस बहुत से लोग आके शाये करते हैं, ऐसा क्यों, आप क्या समझती हैं? व्हाई दे शाये? अभी मैंने एक बच्ची से बात की, हर कॉन्फिडेंस लेवल वेरी फाइन वेरी नाइस। तो हालांकि फीमेल टीचर्स हैं, इनको खुद गाइड कर रहे होते हैं, बट कैमरे की आंख में आने के बाद बात नहीं करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्यों होता है? सर वो कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो इजीली हम बात कर सकते हैं। गुलशन इकबाल में आप पहली दफ़ा आई हैं? नहीं सर। आप पहले भी आ चुकी हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा है। ओके इससे पहले आप किसके साथ आई थी? मैं स्कूल ट्रिप पे। क्या चीज़ बड़ी मुनफरिद है इस पार्क के अंदर? सर फ्लावर। मतलब आप क्या मैसेज दें किसी दूसरे ने अगर आना हो तो हम उसको क्या मैसेज दें कि क्यों आए यहाँ पर? सर सफाई अच्छी है, फ्लावरिंग है, झूले हैं, इंजॉय करने वाली जगह है। और लाहौर के तकरीबन सेंट्रल एरिया में मौजूद है, तो कहीं दूर जाने की बजाय आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस। हमारे साथ मिस जैनब भी हैं। मिस जैनब कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं आपसे, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? बच्चे पढ़ते हैं आपसे, शेयर करते हैं डाटा वगैरह आपके साथ? जी बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और मैं उन्हें गाइड भी करती हूँ जिस चीज़ में उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आपके साथ आए आज यहाँ पे सारे बच्चे? जी। अच्छा तो आपका कैसा तजुर्बा रहा आज का? बहुत अच्छा रहा है सब कुछ, यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, पहले कभी नहीं आई। ओके ओके। और यहाँ पर सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स अभी भी सफाई कर रहे हैं और फ्लावर्स वगैरह, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। और एयर इज ऑल्सो स्टैटिक, फ्रेश एयर है और यू नो इट्स वेरी नाइस, और इस तरह का माहौल हर जगह होना चाहिए, हर कोई सोच रहा होता है। तो इस पार्क के गिर्द घर हो तो लोगों का जो शहर के अंदरूनी शहर रह रहे हैं, शहर के अंदर रह रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा फील होगा। सो बहरहाल एक मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को आवा आज की इस वीडियो में? चाहूँगी कि बी काइंड एंड बी ऑनेस्ट, और दूसरों को तनकीद करने के बजाय जो है खुद के अंदर आपको झांक कर देखें कि बहुत बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। आपको जज़ाए खैर दी जी। अस्सलाम वालेकुम मिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज डेस्परेटली वांट टू टॉक टू यू बिकॉज लोग सुनना चाहेंगे कि मिस ताहिरा क्या सोच रही हैं गुलशन इकबाल पार्क में आके। बहुत अच्छा लग रहा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, इसके अलावा यहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है और बच्चों को एक दफ़ा आप सुकून हो जाएंगे, और हमारे यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि हमारे बच्चे ज़रा इंजॉय भी कर लें, और इसके अलावा आपको पता है कि बाहर का मौसम है, फूल वगैरह भी है और मौसम भी अच्छा है, और साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रिप इसीलिए आया कि बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय के बाद
नई क्लासेस शुरू बच्चों हाँ बच्चों को शुरू शुरू में क्लास के स्टार्ट में हाँ, मौसम तो बहारा के मौके पे कहीं के पार्क्स वगैरह में आउटिंग होनी चाहिए, ये मैसेज है। ये अच्छी बात है कि हम उनको नई क्लास शुरू करने से पहले उनको इन्वाइट करवा रहे हैं कि वो इंजॉय करें और पार्क में आए, और यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जैसे सारे बच्चे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच जी। तो ये थे हमारे सब बच्चे और हमारे रिस्पेक्ट